हे फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका सरिता झा के रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल आलू के पराठे की रेसिपी, जिसको ना ही आपको आलू उबालना होगा ना ही आटा गूंथना होगा और बहुत ही आसानी से झटपट बन जाएगा। बहुत ही आसान है ये आलू के पराठे बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले ये कच्चे आलू, दो आलू आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से ले सकते हो, परिवार के हिसाब से। तो मैंने दो आलू लिए हैं कच्चे। तो चलिए इसको मैं छील ली हूँ और छील के मैंने धो लिया है। तो अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए इस टाइप में कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हम एक कटोरी में पानी डालेंगे और पानी डाल के ये छीले हुए कद्दूकस किए हुए आलू को डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिया है पानी में ताकि ये काला ना हो हमारा आलू, नहीं तो आप देखना काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए ऐसे करने से काले नहीं पड़ेंगे। तो एक दो पानी निकाल दीजिएगा इसको, ये अच्छे से धो दीजिएगा, क्योंकि हम आलू को कई बार काटते हैं तो उसके अंदर से भी एक अजीब सा निकलता है कचकच, तो इसलिए फ्रेश कर लेना धो के। तो अब ये देखिए मैंने छान लिया है धो के अच्छे से दो तीन पानी में। तो अब इसको हम निचोड़ देंगे अच्छे से, और निचोड़ के इस बॉल में रखूँगी मैं। तो अब इसमें लिया है मैंने गेहूँ का चक्की वाला आटा एक कटोरी। तो इसमें आलू भी है, इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़े से ये मिर्च पाउडर, ये हरी धनिया कटी हुई, मिर्च कटे हुए, लहसुन कटी हुई, प्याज कटे हुए, थोड़ी सी पेस्ट भी डाल दीजिए, थोड़ी सी कटी हुई लहसुन भी, तो दोनों का फ्लेवर अलग आता है। थोड़ी सी हमने अजवाइन डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, इसका तैयार कर लेंगे, हमें बैटर तैयार करना है ना कि हमें इसको गूंथना है। तो आप चम्मच से भी मिला सकते हो, मैं हाथ से ही मिलाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा बैटर तैयार हो गया, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है बेलने की। तो चलिए अब हमारा पैन गरम हो गया है। तो पैन में हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला है, सिर्फ एक चम्मच तेल डाली हूँ, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है तो इसलिए इसको हम एक एक चम्मच डाल के फैला देंगे पूरे पैन में। तो ये मैंने फैला दिया पूरे अच्छे से। तो अब एक तरफ तो ये सिक चुका है, अब इसको हमें पलटाना है। तो पलटा देते हैं, बिल्कुल आलू के पराठे के तरह ही बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट, बल्कि उस वाले आलू के पराठे से ज़्यादा स्वादिष्ट है ये, आप भी ट्राई ज़रूर करें। तो ये देखिए गाइस, हमारा आलू का पराठा गर्मा गर्म ये तैयार है। तो ये तो मैं अपनी बेटी के लंच में डालती हूँ, ये लंच मैंने पैक कर दिया इसका। तो अब मैं अपने खाने के लिए बनाई हूँ चाय के साथ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और आप भी ज़रूर ट्राई करें ये देसी तरीका, और बिल्कुल सिंपल, ना उबालने का झंझट ना आटा गूंथने की ज़रूरत।